हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है देखो, वेरीफाई करना है इसे। क्या करना है? वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे वेरीफाई? ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मुझे दिखाना है, दोनों बराबर है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि दोनों चीजें लेफ्ट और राइट बराबर है। अब इधर से तो मैं इधर जाऊंगा नहीं, मैं इधर से इधर आऊंगा, मैं राइट हैंड साइड लेके चलूंगा और लेफ्ट हैंड दिखा दूंगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद दिखा दूंगा कि ये क्या है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। दैट इज, तो मैं लेके चलता हूँ राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड देखो, एक्स प्लस वाई और बाहर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, पहले इस x की इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होगी, फिर इस वाले y की इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होगी। कैसे होगा? x की इंटू किस में? इस पूरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस y की होगी प्लस y की इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब x की इंटू एक्स एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, इसकी इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, इसकी इसमें करेंगे तो एक्स की जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी। एक्स की जब इसमें करेंगे तो यहाँ की पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की जब इसमें करेंगे यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो सीधा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। वाई की जब इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो, वाई को पीछे लिख दो बस, क्योंकि शुरू में एक्स स्क्वायर ही चल रहा है तो एक्स रहने दो, देख पहचान में होगी आसानी। आप वाई की एक्स वाई में करेंगे तो एक्स, और वाई की वाई में करेंगे वाई स्क्वायर, फिर इस वाई की इसमें करेंगे तो वाई की पावर 3। अब जो जो कैंसिल हो जाए वो सब कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल हो जाए वो सब कैंसिल कर दो। देखो ये दोनों सेम है और दोनों के साइन अपोजिट है, ये माइनस का प्लस करो, देखो दोनों लाइक टर्म नहीं एकदम कैंसिल। अच्छा देखो ये दोनों भी सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों भी लाइक टर्म है, तो क्या होगा आप हमारा, अब बचा है क्या एक्स क्यूब, और उधर क्या बचा है वाई क्यूब, ठीक। और देखो यही लाना था, यानी कि मैं राइट हैंड साइड को लेकर चला, मैंने सॉल्व करा और बिल्कुल किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड लिख दो या वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई कर दिया। तो हमें करना क्या है, राइट हैंड साइड लेनी है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है, अपने आप ये आ जाएगा, क्लियर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखा, एक्सरसाइज 2.4 का, आप देखते हैं 9 का सेकंड पार्ट, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसमें प्लस था फर्स्ट पार्ट में, इसमें क्या है यहाँ पे माइनस है, ठीक। अच्छा तो सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें भी क्या करूंगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके चलूंगा और इनके आपस में इंटू करता रहूंगा और ये अपने आप आ जाएगा। तो मैंने ली राइट हैंड साइड, कितना है एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले इस एक्स की इंटू होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो क्या होगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस वाई की इंटू होगी इस पूरे में माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या करना है आगे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की पहले इस वाले में, फिर एक्स की इस वाले टर्म में, फिर एक्स की ऐसे यहां पे होगा वाई की इंटू पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, क्लियर। तो चलो करते हैं इंटू, जब आप एक्स की इंटू एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, जब एक्स की इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जब आप वाई स्क्वायर में करोगे एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, जब वाई की इंटू इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर को आगे लिख देना बस एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस माइनस माइनस, माइनस वाई की इसमें करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और वाई की वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, और वाई की वाई क्यूब में होगी तो वाई की वाई स्क्वायर में होगी, सॉरी, तो क्या होगा वाई क्यूब, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आपको पता है ये चीज तो पता होगी ना, अगर बेस सेम हो और ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जुड़ जाती है। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर की इंटू जब एक्स की पावर 1 में होगी तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 तो एक्स की पावर 3 बनेगा, इस तरह से हो रहा है। और जब इसकी इसमें होगी तो एक्स की पावर 1 और 1 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज कैंसिल हो रही होंगी, एक्स स्क्वायर वाई ढूंढना कहा, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अरे भाई ऐसे बताओ, जब प्लस 2 और माइनस 2 होते हैं तो क्या आता है, दो में से दो के जीरो, ऐसे एक्स में से एक्स जाएगा तो जीरो,
ऐसी ये बिल्कुल सेम है, इसमें से प्लस माइनस होगा तो जीरो, इससे ये वाली टर्म कट जाएगी, ये भी सेम टू सेम है, देख लो एक्स वाई स्क्वायर और वो माइनस का है। क्या क्या बचा अब हमारा बचा है यहाँ पे एक्स क्यूब और बचा है माइनस का, और ये ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। और मैं क्या लेके चला था, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है बराबर, तो हैंस वेरीफाइड, तो हमने क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। क्लियर, तो एक्सरसाइज 2.4 है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट डन। क्या लिखा हुआ देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे इन सबको फैक्टराइज करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने ईच वेरीफाई की थी, आपको याद हो तो हमने क्या वेरीफाई किया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैंने क्या वेरीफाई किया था, x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मगर यहां पे देखो इसी टाइप की आइडेंटिटी मैच हो रही है बिल्कुल, देखो पहले क्यूब फिर बाद में क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो दो पार्ट थे, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था, तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होंगी फॉर्मूले की तरह, ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होंगी, यूज होंगी। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाली, क्योंकि सॉरी सेकंड वाली, क्योंकि वहां प्लस है, प्लस उसमें शायद फर्स्ट पार्ट ये था सेकंड पार्ट ये था। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करेंगे, 27 किसकी क्यूब होता है, 3 की, तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब 27 होता है 3 क्यूब और 125 किसकी क्यूब होता है, 5 की। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप मैच करोगे, क्या मैच करोगे, ये पहला वाला एक्स है दूसरा वाला वाई है, और यहाँ पे प्लस है तो ये वाली एंड यूज होगी, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, तो मुझे ये चीज फॉलो करनी है, जहां पे एक्स आए वहां पे क्या रख देना है 3y, और जहां पे वाई आए वहां क्या रख देना है 5z। क्लियर, तो रखते हैं, चलो पहले क्या है, दोनों का सम करना है, तो 3y प्लस 5z ब्रैकेट, फिर क्या है देखो एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे 3y उसका स्क्वायर माइनस, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3y इंटू 5z और फिर क्या है y का स्क्वायर, y तो मेरा 5z है यानी कि प्लस 5z का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। क्लियर, अब देखो यहां पे तो प्लस हो रहे हैं, यहां पे तो ऐसे रहेंगे, ठीक, यहां पे 3 का स्क्वायर देखो स्क्वायर इस पे भी जाएगा, स्क्वायर इस पे भी, दोनों पे जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, और 3 5 15 प्लस माइनस माइनस, और देखो वाई जेड 3 5 15 प्लस माइनस माइनस और वाई जेड। ठीक, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 25 जेड स्क्वायर। अब इसमें और कुछ सॉल्व नहीं होगा, यही आपके फैक्टराइज है, देखो दो पेयर बन गए। ठीक है, तो फैक्टराइज हमने कर दिया फर्स्ट पार्ट, अब देखते हैं सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, जो क्या होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, अब देखो यहाँ पे 64 है, 64 किसकी क्यूब होता है, 64 होता है 4 की क्यूब। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और एम एम 4m की क्यूब माइनस, और इस वाई की जगह क्या हो जाएगा 343 किसकी क्यूब होता है, 343 होता है 7 की क्यूब। आपको कम से कम 12 तक कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, और स्क्वायर कहां तक याद होने चाहिए 30 तक। ठीक है, अब ये 7 है यहाँ पे, तो 7 आ जाएगा 7n है, और देखो यहाँ पे क्या 7, ये 7 बन गया 7n क्यूब, और ये वाला क्या बना 4m क्यूब। तो देखो ये इसकी तरह मैच हो गया, अब ये दोनों ये इसकी तरह मैच हो गया। ठीक, तो देखो x की जगह क्या रखा हुआ यहाँ पे, x के प्लेस पे यहाँ पे 4m, और y के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, y के प्लेस पे 7n। तो इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें जहां भी x मिले वहां रख दो 4m, और जहां भी y मिले वहां रख दो 7n। ठीक, चलो रखते हैं, जहां पे x है वहां पे 4m, जहां y है वहां पे 7n ब्रैकेट बंद, फिर जहां पे x है वहां पे 4m का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हो रहा है, प्लस x की जगह पे 4m यहां पे x है, फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, y की जगह पे क्या है यहां पे देखो 7n। क्लियर, और यहां y का स्क्वायर y क्या है 7n उसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो,
फोर एम माइनस सेवन एन, फोर का स्क्वायर 16, एम स्क्वायर, और फोर सेवन जा 28, एम एन, और सेवन का स्क्वायर 49, एन स्क्वायर। तो इसके भी फैक्टर्स हो गए। बस सिंपली याद रखना इस क्वेश्चन नंबर 10 में इस टाइप की एंड यूज हो रही है जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई वाला था ना, इसको यहाँ पे फॉर्मूले की तरह यूज हो रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वो कैसा है। देखो इस टाइप को फैक्टराइज करना है मुझे, और इस टाइप की फॉर्म है, इस टाइप की आई एन टी हमारी आई एन टी नंबर 8। मैं पहले वो आई एन टी लिखता हूँ तब आपको बताता हूँ आई एन टी मेरी क्या है। देखो ये है आई एन टी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब आपको पता क्या करना है, पहले आपको इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस वाली फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे साथ में 27 भी है, 27 का सी क्यूब होता है 3 की। तो मैं क्या करूंगा, मैं 27 को लिख दूंगा यहाँ पे 3x क्यूब। तो पहला ठीक है, वाई तो देखो वाई है, ये और ये मैच हो रहा है, वाई तो वाई ही है, जेड भी जेड है। अब यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है, क्या मैं 9 को लिख दूं, 3 × 3 लिख दो, माइनस 3 × 3, और फिर क्या एक्स फिर वाई फिर जेड। ठीक, अब देखो ये पूरा इसकी तरह बन चुका है, तो एक्स की जगह 3x है, वाई की जगह वाई, जेड की जगह जेड, और देखो यहाँ पे तीन येरा और एक्स की जगह क्या है 3xyz, बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है कैसे, जहां पे एक्स है वहां क्या रखना है 3x, और वाई की जगह वाई रखना है, और जेड की जगह पे जेड ही रखना है, बस एक्स के प्लेस पे 3x पुट करना है। तो कर दो यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई तो वाई है सेम, जेड भी जेड ही है सेम। अब यहाँ माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह क्या है देखो वहां पे क्या रखा हुआ है इसकी जगह 3x, तो क्या कर दो यहाँ पे 3x, और वाई तो वाई है, फिर ये वाली टर्म माइनस वाई और जेड दोनों सेम है, और जेड और एक्स में जेड सेम है, और एक्स क्या है 3x। क्लियर? अब ये जो बराबर का इधर चल रहा है इसे सोल्व करना है, बस 3xyz कुछ सोल्व भी नहीं होगा, बस ब्रैकेट सोल्व होगा थोड़ा बहुत। 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा 3xy, ये क्या है वाई जेड, और ये क्या है माइनस 3zx। क्लियर? तो आपका फैक्टराइज के लिए ये सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी आईएनटी है। ठीक है, इसमें कैसे पहचानोगे वाली एंटी लगेगी, इसमें 3 तो क्यूब है, 3 क्या है इसमें 1 क्यूब है, और एक 3 का मल्टीपल है, और यहां पे आता है माइनस, इस तरह पहचानी जाएगी वाली एंटी। ठीक, तो फैक्टराइज हो चुके हैं, एक फैक्टर ये ना यहां से यहां तक फर्स्ट इंटू और सेकेंड फैक्टर ये पूरा है। क्लियर? ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गिटार सिंह क्लासेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।